राधे राधे दोस्तों, आज मैं उन बातों के बारे में बताऊंगा जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, खासकर जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग एग्जाम देने वाले। उनके मन में डाउट क्या है, वर्ड हाईलाइट होगी कि नहीं, ऑटो स्क्रॉल होगी कि नहीं, टाइपिंग स्क्रीन पर होगी कि नहीं, बैक स्पेस अलाउ होगा, एक्यूरेसी और स्पीड के बारे में। और मैं लास्ट में एक टाइपिंग वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पे आप टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ड हाईलाइट के बारे में। जब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को टाइप करूंगा तो जो वर्ड रहेगी वो हाईलाइट रहेगी। जैसे आप देखो, जो हाईलाइट वर्ड मेरे साथ जा रही है, तो वहां एग्जाम में वर्ड हाईलाइट नहीं होगी, वो ऑफ रहेगी। एग्जाम में वर्ड हाईलाइट जब ऑफ होती है तो टाइप कैसे होता है, देखो। अब मैं बात करता हूं ऑटो स्क्रॉल के बारे में। यहाँ पे आप एक पैराग्राफ देख रहे हो जो दे से स्टार्ट है और मोर पे जाके खत्म हो रही है। जब आप दे से टाइपिंग स्टार्ट करोगे और मोर पे जाके खत्म करोगे और जब ऑटो स्क्रॉल ऑन रहेगा तो क्या होगा कि ये जो लाइन है खुद ब खुद ऊपर हो जाएगी। लेकिन जब ऑटो स्क्रॉल ऑफ रहती है, जो एग्जाम में ऑफ रहेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप, जैसे मैं टाइप करके दिखाता हूं आपको, दे से टाइप मैंने किया और जाके मोर पे मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो स्क्रॉल, इसको आपको यहाँ पे माउस से आपको खींचना है नीचे, और जो लास्ट जो वर्ड रहेगी उसे टॉप में कर देना। जिससे क्या होगा कि जो सेकंड लाइन है वहां पे, वहां से आप डायरेक्ट टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कभी कभी क्या करोगे आप, अगर मोर को बीच में रखते हो तो आप भूल जाओगे कि ये जो लाइन है कहाँ पे है, तो ये इससे क्या होगा कि आप रॉन्ग जो लाइन है वो टाइप करने लोगे। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा कि जो टाइपिंग है वो ऑन स्क्रीन होगी कि नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में जो एग्जाम हुई थी झारखंड हाईकोर्ट की, वो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पे हुई थी, मतलब ऑन स्क्रीन हुई थी। आपको दिखाता हूँ, वहां पे ऐसे आपको पैराग्राफ मिलेगा और आपको यहाँ पे देख के उसको टाइप करना होता है। अब मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी के बारे में, जो 98% थी और बैक स्पेस अलाउ था। बैक स्पेस अलाउ के कारण ही आप एक्यूरेसी बहुत अच्छे कर सकते हो, तो इस बार भी चांस है कि बैक स्पेस अलाउ रहेगी। अब बात करते हैं स्पीड के लिए। स्पीड के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हो। स्पीड को महत्व देते हैं और एक्यूरेसी को बढ़िया, जिसके मैं बोलूंगा एक्यूरेसी को बढ़िया, जिसके मैं बोलूंगा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में रखिए। अब मैं आपको बताऊंगा एक फ्री टाइपिंग वेबसाइट के बारे में जहां पे आप झारखंड हाईकोर्ट का टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है टाइपिंग बज। यहां पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश टाइपिंग भी है, कुर्ती देव भी है, जो आपको मेन मेन है वो वहां पे दिया हुआ है। तो अगर मैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो 1 मिनट से 20 मिनट तक, और आपको टाइप करना सिर्फ 5 ही मिनट में, और ये रैंडम है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको स्टोरी और एडिटोरियल। तो स्टोरी में आप जब क्लिक करोगे तो पारा 1 से आपको 100 तक मिलेगी। यहाँ पे बैक स्पेस इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। इसमें मैं आपको 1 मिनट का टाइपिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप टाइपिंग स्पीड देख सकते हो, योर नेट टाइपिंग स्पीड, जो मेथड वन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड सेपरेट बाय स्पेस, और एक है वन वर्ड ग्रुप ऑफ 5 करेक्टर। तो इनमें मैक्सिमम टाइम देखना कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड रहती है वो ली जाती है। यहाँ पे स्पीड देख रहे हो मेरी थोड़ी ज्यादा है इसमें, लेकिन कभी मैक्सिमम टाइम देखना ये कम रहती है। एक्यूरेसी 99% देख रहे हो आप, तो आपको 97+ हमेशा रखना है जो काम आएगी। तो आप हमेशा याद रखना है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करके रखना,
मैं कुछ दिन में हिंदी टाइपिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आप सीखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।